नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेक, मैं हूं आपके साथ सोनी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है जो दिवाली के आस पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के बाद आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से वेतन और पेंशन का संशोधन का इंतजार है। यदि आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि का लाभ मिल सकता है। बता दें, इस दिशा में उठाए जा रहे कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात हो सकते हैं। वही आपको बता दें, पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड यानी आठवां वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से आठवां वेतन आयोग लागू करने का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। वही सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, यानी कि ऑफिशियल तौर पर अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था। किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है, तो ऐसे में उम्मीद है, जताई जा रही है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने से पहले ही आठवें वेतन आयोग पर काम करेगी। यह सिफारिश आयोग की तरफ से की जाती है कि कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से भत्ते मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। बता दें कि मौजूदा सातवें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर ही ऐसा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक आठवें वेतन को लेकर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है और किसी भी आयोग के गठन के बाद ही उसे अपनी सिफारिशों में तैयार करने में समय लगता है। आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है और कर्मचारियों की सैलरी, अन्य वित्तीय लाभ के समायोजन की सिफारिशें पहले से आयोग की तरफ से इकोनॉमिक की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यानी कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन इस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर केवल 2.57 पर समझौता किया है। तो वही पेंशन और सैलरी को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर जरूरी होता है, तो ऐसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन की तुलना में सातवें वेतन आयोग में यह बढ़कर 1800 रुपये प्रति महीना हो गया है। तो इस तरह न्यूनतम पेंशन भी 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गया है। तो वहीं बता दें कि साथ ही इसका अधिकतम वेतन 2050 हज़ार रुपये अधिक हो गई है। फिलहाल आप बता दें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने प्रकाशित रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।